नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों अभी हम चर्चा करेंगे बिहार के उस वैकेंसी के बारे में जहां पे 214 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से। जी हां, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए 214 की पदों की भर्ती का आवेदन मांगा गया था। इसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन भी दिया था आप सभी को, जब इसका वैकेंसी आया हुआ था तो उसके जरिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना यहाँ पे जो काउंसलिंग किया था, काउंसलिंग अटेंड किया है। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद यहाँ पे जो ड्यूली मेरिट लिस्ट आई हुई है तो उस लिस्ट को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है सनी लियोनी को लेकर। जी हाँ, सनी लियोनी अब बनने वाली है जूनियर इंजीनियर। इसके बारे में जानेंगे कितनी है सच्चाई इस न्यूज में, और एक्चुअली ये वायरल हो रखा है न्यूज़, आप सभी को पता होगा। बहुत सुबह से ही, जब से ये लिस्ट आया हुआ है, आई थिंक सुबह से इसका चर्चा किया गया है आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कि सनी लियोनी जो है वो जूनियर इंजीनियर बनने वाली हैं बिहार में। जी हाँ, ये एक उड़ती हुई खबर है और ये वो सनी लियोनी नहीं है, आप सभी को भी पता होना चाहिए। पर यहाँ पे हम इसके बारे में सारी न्यूज़ की पुष्टि करेंगे। इनफैक्ट दो न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिन्होंने दो अलग अलग बातें कही हैं, उसके बारे में भी दिखलाएंगे। पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके दिखला देना चाहता हूँ, जो कि इसमें ड्यूली मेरिट लिस्ट आए हैं जो कि आपके सबसे पहले काम के हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, हर वो खबर जो कि बिहार से जुड़ी हुई रहती है, आपके एजुकेशन या फिर आपके जॉब को लेकर, हम लेकर आते हैं अपने चैनल पर सबसे पहले। और सुबह के 5 बजे करेंट अफेयर की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपकी हर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं अब आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले, तो जहां पे इसके बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे दोस्तों लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में लेटेस्ट अपडेट जो है, ये सेकंड कॉलम जो है यहां पे आपको अगेंस्ट दो है ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। जहां पे क्लिक किया है तो एक ऑप्शन आएगा आपका इस ड्यूली मेरिट लिस्ट को देखने के लिए। चलिए इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहां पे ओपन होगा। तो यहां पे क्लिक करना है जूनियर इंजीनियर के लिए और व्यू पे क्लिक कर देना है। ये सारा का सारा लिस्ट जो है आपके सामने ओपन करके दे देगा। अब देखिए यहां पे जो सबसे नंबर वन पे, देखिए यहां पे सबसे नंबर वन पे जो पेज पे नाम आया है वो किसका है, सनी लियोनी का। जूम इन कर लो थोड़ा सा यार, ठीक है, यहाँ पे जूम इन किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके फादर्स नेम में लियोना लियोनी, ठीक है, इनके फादर का नाम है। भाई ये कहाँ का न्यूज़ है, कहाँ का क्या है, ये कहाँ इसमें, ये जो सरकारी चीज़ों में ये सब कहाँ से आ गए। तो आपको मैं बता दूं कि ये तो नाम एक है ही, इसका न्यूज़ मैं दिखलाऊंगा अभी दोनों अखबारों का, वो जो न्यूज़पेपर में क्या उन्होंने बताया इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट हैं वो है निर्मल चक्रवर्ती, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट हैं इनका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ है और ये इनके फादर्स नेम में ओमपुरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यही टॉपर हैं, ये मुझे तो जहाँ तक लगता है कि फेक लग रहा है। पर यहाँ पे आखिर जिन्होंने रिजल्ट बनाया है वो क्या सोचकर बनाए होंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट देखा होगा उनका। यहाँ पे 98.50 स्कोर के साथ इसका स्कोर बना हुआ है और ये कैटेगरी जनरल में आ रही हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो इस वीडियो को अभी अंत तक देखिएगा, सारा का सारा खुलासा होगा। तो आप सभी से, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, वो अपना नाम इस लिस्ट में जरूर चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि किसी और हीरोइन का भी या किसी और हीरो का भी नाम मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम, अपने फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट इतने मैच कर लें ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि ये आप ही का रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। अब इसके लिए सरकार अभी तक कुछ ऑफिशियली जवाब नहीं दिया है कि आखिर ये कौन है सनी लियोनी जो कि यहाँ पे इनका नाम है। अब देखिए कुछ न्यूज़ वाले यहाँ पे पोस्ट किए हैं, मैं उस न्यूज़ को भी आपको दिखलाना चाहूँगा। सबसे पहले हम तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक तो पहले होगा, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूज़ 18 की। जी हाँ, न्यूज़ 18 जो कि एक
बहुत ही मतलब फेमस कह सकते हैं अखबार है जहां पे यहां पे इसके बारे में चर्चा किया गया है। बिहार में जूनियर इंजीनियर की नौकरी करेंगी सनी लियोनी, जानिए क्या है माजरा। तो यहां पे इन्होंने बताया है कि 13 मई 1991 को जन्मी सनी लियोनी का नाम, महिला जिनका एप्लीकेशन आईडी है 031211 है, इनके पिता का नाम लियोना लियोनी बताया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे ये 20 तारीख है यानी कि आज के शाम का ही खबर है। और आपको देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा, इन्होंने बताया है कि बिहार में सनी लियोनी नौकरी करने आ रही है, जाहिर है कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, लेकिन राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे परिणामों को देखें तो यह सच भी है। दरअसल जूनियर इंजीनियर की मेरिट में सनी लियोनी नाम की छात्रा पहले नंबर पर आई है, उनका स्कोर जो है 98.5 बताया गया है। एजुकेशन पॉइंट में 73.5 अंक मिले हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट में इनको 25 नंबर अलग से मिले हैं। इस तरह सनी लियोनी की नेम मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। हालांकि यह बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी नहीं है बल्कि 13 मई 1991 को जन्मी सनी लियोनी नामक महिला है जिनका एप्लीकेशन आईडी है ये, और इनके पिता का नाम लियोना लियोनी है। ये भी पढ़ें, यहाँ पे बताया गया कि ये भी यह नाम सही है कि नहीं है, इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पे BBCXZ नामक अभ्यर्थी जिनके 92 स्कोर हैं। हालांकि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि इस लिस्ट का दावा और आपत्ति के लिए 24 फरवरी तक समय भी दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका तीसरा वाला जो नाम बोल रहा है, अब ये देखिए मैं आपको इसको क्लियर दिखलाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ये था ये, हाँ तो यहाँ पे एक नाम और है जो कि आपको देखना होगा यहाँ पे। ये देखिए ये तीसरे नंबर पे जो है इनका नाम, अब बताइए ये कैसा नाम है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट बनाया है इन्होंने बिहार में, ये जूनियर इंजीनियर सिविल का ये मजाक किया गया है क्या? तो यहाँ पे आपको बता दें कि इनका भी 92 पॉइंट। अब वो जो कैंडिडेट कहाँ गए, ये शायद हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे किसी और का नाम भर दिया जाए बाद में, यहाँ पे किसी और का नाम भर दिया जाए बाद में, क्योंकि इस नाम से तो कोई है ही नहीं। पर ये जो निर्मल चक्रवर्ती के बाद ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को पूरा चेक कीजिएगा, अपना नाम भी चेक कीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे जो न्यूज़ में अखबार में जो न्यूज़ छप रही हैं उन सभी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे और क्या कहा गया है इस न्यूज़ में ये भी जान लें हम थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे और कहा गया है कि दावा आपत्ति आने के बाद, देखिए 24 फरवरी तक दावा आपत्ति करने का टाइम भी दिया गया है, और अंतिम सूची में दर्ज कैंडिडेट को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाकर उन्हें अंतिम तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि जो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है के संयुक्त सचिव अशोक कुमार ने कहा है कि गलत नाम से रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सुविधा का दुरुपयोग है ये। ठीक है, उनका कहना है कि यह सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे, इसके बाद फर्जी डेटा एंट्री वालों पर कार्रवाई करने का विचार भी सरकार बना रही है। बता दें कि 214 सिविल इंजीनियर की पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इसके मेरिट लिस्ट जो है 15 फरवरी को प्रकाशित भी कर दिए गए थे। तो दोस्तों ये तो न्यूज़ है आपके न्यूज़ 18 की, और एक न्यूज़ थी जो सेम कहा गया है आपको इंडिया टीवी NDTV के द्वारा दिया। तो यहाँ पे सनी लियोनी के बारे में वही चीज़ें सारी सच्चाई बताई गई हैं जो कि मैंने अभी पिछले न्यूज़ में बताया आपको। बस यहाँ पे ये बताया गया उसमें एक्स्ट्रा जो है कि जो ये जो नाम है उम्मीदवार का, ये इसकी जगह पे ये सवाल यहाँ उठाता है कि आखिर ये ऐसा मेरिट लिस्ट क्यों बनाया गया है। पहली चीज़ क्योंकि इसका अभी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ है, इस जगह पे कौन जाएगा, तीसरे पावदान पे कौन जाएगा, और अगर सनी लियोनी नाम की अगर कोई महिला नहीं है तो उस पावदान पे कौन जाएगा। तो इसका जवाब हम लोग सरकार से ज़रूर मांग रहे हैं, तो सरकार से हम लोग अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द इसका सही से जो मेरिट लिस्ट है वो बना के दें, और दावा आपत्ति करने के बाद इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उस लिस्ट में भी नाम जरूर चेक कीजिएगा। पहले आप यहाँ अपना नाम चेक कर लें, और सबसे पहले आप अपने आप को कंफर्म कर लें कि आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों ये न्यूज़ देनी थी आपको, और ये आपको रिजल्ट दिखाना था यहाँ पे जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए था। अब हम एक और न्यूज़ दिखलाना चाहेंगे, यहाँ पे एक नोटिस और है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है, और इसका
कैटेगरी वाइज यहाँ पे काउंसलिंग का डेट निकाल दिया गया है। तो ये आज की खबर है, ये 19 फरवरी का खबर है, ठीक है। तो इसको न्यूज़ में इसको भी देखिएगा आप लोग, ये कल के शाम पे ही अपडेट हुआ है, ठीक है, 19 तारीख को ही अपडेट हुआ है और आज के इस न्यूज़पेपर में बताया गया है। चलिए इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज जो असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया गया है, AE को, ठीक है, सिविल में ही, और ये जो दूसरा वाला था ये सिविल इंजीनियर के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था, ठीक है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं पहले वाले को और देखते हैं कि इसमें किसका किसका नाम है। दोस्तों ये ओपन होकर आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की जो पोस्ट निकाली गई है उसका ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट है ये, और इस ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसके बाद इसमें कुल 202 अभ्यर्थियों को इसके लिए यहाँ पे आमंत्रण किया गया है। और इसमें से देखिए अभी कितने लोग सेलेक्ट होंगे, इस लिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आपको एक आवश्यक सूचना दे दें कि इसका जो काउंसलिंग का डेट है वो 23 फरवरी को है, ठीक है, 23 फरवरी को है, उस प्रथम पाली में है और द्वितीय पाली में है, ठीक है, दो शिफ्ट में एग्जाम है, एक 10 बजे से है, एक 2:30 बजे से है। तो काउंसलिंग को अटेंड जरूर कीजिएगा आप लोग सभी, और इसमें प्लीज़ अपना नाम सही से दीजिएगा, कोई सनी लियोन और कोई करिश्मा कपूर या फिर कोई भी अलग हीरोइन का नाम देके या हीरो का नाम देके यहाँ पे किसी का सीट बर्बाद मत कीजिएगा अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको वहाँ पे जो स्कोर कार्ड के अलावा क्या क्या लेकर जाना है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है, इस PDF को जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। और ये आपका ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट है उन कैंडिडेट का जिसने इसको अपील किया था, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट से अपील है कि आप लोग जाएँ वहाँ पर, आवेदन जिसने किया है इन सभी में से, ठीक है, अपना नाम चेक कर लें और फिर वहाँ जाएँ काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग अटेंड करें। सारी चीज़ें आपको इस लिस्ट नोटिस में दे दी गई है, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों कि और आपके लक पे भी डिपेंड करती है कि आपको ये जॉब होगी या नहीं होगी। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये नौकरी आप सभी को मिले। आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ यहाँ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप एड्रेस के लिए जब कंफर्म करेंगे तो ये ही एड्रेस है, बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका एड्रेस भी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिएगा, जानकारी पूर्णता दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।